फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, एक झारखंड में एक नई वैकेंसी आ चुकी है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, इसी का एक वैकेंसी है। JSSC ने एक वैकेंसी निकाली है जिसका की विज्ञापन संख्या 10/2022 है, ठीक है। बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि झारखंड जो तकनीकी और विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि एक रेगुलर वैकेंसी है, और इस जो वैकेंसी को कंडक्ट किया है वो JTGLCC 2022 ने, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पूरा नोटिफिकेशन के बारे में वन बाय वन, जिसमें इसकी परीक्षा शुल्क जो है वो आपको ₹100 लगेगा और परीक्षा शुल्क में छूट भी है, जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी के लिए ₹50 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में हो गया। अब देखिए रिक्तियों का विवरण देखिए, इसके बाद हम आते हैं आपके योग्यता पे, ठीक है। तो मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक पद ना, इसका ये आपका पोस्ट का नाम है, इसमें आपका टोटल सीट जो है वो 59 है, ठीक है। टोटल सीट कितना है? 59 है। अब देखिए दूसरा जो आपका पोस्ट है वो है प्रखंड कृषि एवं पदाधिकारी एवं समकक्ष विभाग, समकक्ष पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है 305, अब जोड़ते जाइए कि कितना है, 59 305 हो गया, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, उसके लिए 8 है टोटल सीट, ठीक है। इसके बाद पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष के लिए कितना है, 26 है। संख्यांकी सहायक एवं समकक्ष के लिए कितना है, 26 है। मतलब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वैकेंसी है। भूतात्विक विश्लेषक के लिए आपका वैकेंसी 30 है और वरीय अंकेक्षक के लिए 138 है। काफी ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, बहुत बड़ा एक बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो निकाला गया वैकेंसी है उसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो आपका पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट का जो नाम है उसका पे मैट्रिक्स लेवल आप देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 में है। बाकी सारा का सारा जो वैकेंसी है वही पे लेवल में है, पे सिक्स में ही है, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक एवं जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा, इसमें आपका होना चाहिए। और देखिए दूसरा जो है ये पूरा का पूरा ये 2, 3, 4 जो पोस्ट है इसमें आपका कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर साइंस में स्नातक डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोस्ट है पोस्ट नंबर 5 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संख्यांकी या गणित या अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए। भूतात्विक विशेषक में देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc जो कि केमिस्ट्री में BSc किए होंगे उनके लिए है, ठीक है। और ये आपका वरीय केंचक इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र तथा गणित तथा वाणिज्य अथवा संख्यांकी में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये सबके लिए वैकेंसी निकल गया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना होगा वो 1/8/2022 से होगा, अधिकतम जो होगा वो 1/8/2010 से होगा, ठीक है। तो न्यूनतम और अधिकतम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष, 18 वर्ष नहीं है, ठीक है। और अधिकतम का यहाँ पे दिया हुआ है 35 वर्ष अनरिजर्व के लिए, 37 वर्ष आपका OBC के लिए, महिलाओं के लिए 38 वर्ष और आपका SC ST के लिए 40 वर्ष है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं हम परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, बाकी सब आप देख लीजिएगा कौन कौन सा प्रमाण पत्र है कैसे कैसे देना है। आपको नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो आवेदन करने का तिथि है इसमें सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं देखते हैं, ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आवेदन पूर्ण करने की विभिन्न तिथियों के बारे में देखिए, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हैं तो दिनांक 15/6/2022 से दिनांक 13/7/2022 तक, मतलब जो स्टार्टिंग डेट है 15 जून से स्टार्ट होगा और 13 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपका 16/7/2022 तक का डेट है, बाकी जो आपका फाइनल जो आपका फॉर्म सबमिशन का डेट है वो 20/7/2022 तक है,
ठीक है, नहीं 20/7/2022 से लेकर 22 तक है आपका संशोधन करने का तिथि, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का फॉर्म है। अब आते हैं हम परीक्षा के स्वरूप पे, जो परीक्षा होगा सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, समझिए बात को, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और उस एग्जाम में तीन पत्र होगा, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, ठीक है। और हर प्रश्न का आपका 3 अंक होगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका पेपर वन के लिए जिसमें कि आपका भाषा का ज्ञान होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और इसमें आपको 30% ही मार्क्स लाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों पूछा जाएगा, 60-60 प्रश्न, ठीक है। अब आते हैं पेपर टू में, तो पेपर टू जो होगा वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से रहेगा, जो कि 100 आपका मार्क्स का रहेगा। उसमें परीक्षा की अवधि जो होगा वो 2 घंटा का होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा आपका भाषा होगा, यही सब भाषा में से कोई एक भाषा आपको चूज करना है। पेपर थ्री का बात कर लेते हैं, तो पेपर थ्री में आपका 150 प्रश्न रहेगा और ये आपका 2.5 घंटा का रहेगा, ठीक है। इसमें आपका 100 प्रश्न जो है तकनीकी और विशिष्ट विषय, जो भी आप विषय का चूज किए हैं, जिस भी विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए होगा। सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न, ठीक है, सामान्य गणित 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप ये मत समझिएगा हम इसको स्किप करें, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूनतम 30% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, भाषा का ज्ञान हो गया, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान में आपका सारे का सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस से गो थ्रू हो सकते हैं, सबके बारे में दिया हुआ है। तो हमको इस वीडियो में आपको इसी नई वैकेंसी के बारे में बताना था, तो आप देख सकते हैं वीडियो को, आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हिंदी में पूरा कवर किया जा रहा है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि इस एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।